हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास, और इसी मेवाड़ राज्य इतिहास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महाराणा शंभू सिंह द्वारा, महाराणा अजीत सिंह द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा या महाराणा गंगा सिंह द्वारा। आपने यदि हल्का सा पढ़ रखा है तो आप सब जानते हैं इसको। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ राज्य में ये एक न्यायिक संस्था थी और ये समय समय पर बदलती गई। न्यायिक क्या थी ये संस्था, जैसे हमारे सामने नाम है महकमा खास, ये महकमा खास जिसकी स्थापना हुई थी 1869 ईस्वी में, ये समय समय पर बदलती गई। पहले थी ये महकमा खास, आगे चलकर यही महकमा जो खास है इसका नाम हो गया था इजलास खास, और इजलास खास इसका नाम हुआ था 1877 में। आगे चलकर एक बार पुनः इसका नाम हुआ चेंज और नाम हो गया था महाइंद्रजा सभा, और महाइंद्रजा सभा का जो गठन है वो हुआ था 1880 में। यानी मेवाड़ के अंदर एक न्यायिक संस्था है जो समय समय पर उसका नाम बदलता गया। जैसे महकमा खास जो है ये किस समय हुआ करता था, तो ये नाम हुआ करता था महाराणा शंभू सिंह के समय मेवाड़ में जो न्यायिक संस्था थी उसका नाम था महकमा खास, स्थापना है 1869। लेकिन जैसे ही मेवाड़ के शासक चेंज हुए और मेवाड़ के महाराणा बने सज्जन सिंह, तो महाराणा सज्जन सिंह के समय इसी संस्था का नाम बदल गया और नाम हो गया था इजलास खास, और इसकी स्थापना हुई थी 1877 में। लेकिन समय के अकॉर्डिंग एक बार फिर महाराणा सज्जन सिंह के समय में ही इसका नाम एक बार फिर बदला और इजलास खास से बदलकर ये नाम हो गया था महाइंद्रजा सभा, स्थापना हुई थी 1880 में। यानी कि इनमें से पूछने का जो तरीका है ये तीनों ही बड़े खास हैं कि मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना कब हुई 1869 में, किसके समय हुई। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है महाराणा सज्जन सिंह के समय, और ये क्वेश्चन सीटी के पेपर में आया 8 जनवरी 2023 में। आगामी जो भी एग्जाम हुए उसके अंदर भी ये आ रखा है कि इजलास खास की स्थापना किसके समय हुई थी, तो महाराणा सज्जन सिंह के समय, और कब हुई थी 1877 में। क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि महाइंद्रजा जो सभा है इसका गठन कब हुआ, तो 1880 के अंदर, और कौन से शासक, तो महाराणा सज्जन सिंह के समय। यानी कि ये तीनों ही बड़े खास हैं, याद कर लीजिए, महकमा खास शंभू सिंह के समय 1869, फिर आगे चलकर महाराणा सज्जन सिंह के समय 1877 में इजलास खास, और फिर आगे चलकर 1880 के अंदर महाइंद्रजा सभा महाराणा सज्जन सिंह के समय। आप जब एक ही आंदोलन पढ़ते हैं और एक ही आंदोलन में जब ये बात पढ़ते हैं कि मोतीलाल तेजावत को महाइंद्रजा सभा के तहत ही रिहा किया जाता है, और आप पढ़ते हैं कि ये जो महाइंद्रजा सभा है, ये महाइंद्रजा सभा क्या है, मेवाड़ में न्यायिक संस्था, ठीक है, बस वो क्रम से चेंजमेंट होता रहा। तो ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए बड़े खास हैं, ठीक है, थीके? आगे बढ़ूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा शंभू सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ, रोज क्लास होगी, टाइमिंग भी यही रहेगा, ठीक है, टाइमिंग भी हमारा यही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े फिर, ये तीनों बड़ी खास है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा, ये लीजिए, ये फॉरेस्टर के अंदर आया क्वेश्चन है आपके सामने कि मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में पराजित किया था। मेवाड़ के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में पराजित किया था। देखिए इब्राहिम लोदी की हम बात करते हैं, वैसे ये दिल्ली सल्तनत के शासक हैं, और इब्राहिम लोदी के समय हमारे मेवाड़ के अंदर जो राजा रहा वो है आपके राणा सांगा। देखिए वैसे राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की हम बात करते हैं, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी, तो इन दोनों के मध्य दो युद्ध लड़े गए हैं। कितने युद्ध हुए हैं, डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के संघर्ष में कितने युद्ध लड़े गए थे, तो दो युद्ध हुए थे, दोनों क्रम से लगातार हुए थे। कौन कौन सा, सबसे पहला तो युद्ध लड़ा गया था खातोली का, कौन सा युद्ध हुआ था, एक तो युद्ध लड़ा गया था खातोली का युद्ध, और दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो था बाड़ी का युद्ध, एक खातोली का हुआ था और दूसरा
बाड़ी का युद्ध हुआ था। खातुली का जो युद्ध है यह लड़ा गया था 1517 के अंदर, और बाड़ी का जो युद्ध है यह लड़ा गया था 1518 में। खातुली कहां पर है तो याद रखना है कोटा के अंदर, और बाड़ी कहां पर है तो याद रखिएगा धौलपुर में। ये दोनों जो युद्ध है ये क्रमशः राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, और इन दोनों ही युद्ध में विजय कौन हुए थे तो याद रखिएगा राणा सांगा। इन दोनों युद्धों में ही विजेता कौन हुए थे याद रखिएगा राणा सांगा, और इब्राहिम लोदी इन दोनों ही युद्धों में क्या हुए थे पराजित हुए थे। इब्राहिम लोदी की किस युद्ध में मृत्यु हो गई थी तो वो आप सब जानते हैं, पानीपत का युद्ध था। ठीक है, तो हमारे लिए यहां पर ये चार क्वेश्चन बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो खातोली का युद्ध याद रखिएगा 1517, बाड़ी का युद्ध याद रखिएगा 1518, ये दोनों ही युद्ध सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य हुए, और इन दोनों ही युद्धों में इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि विजय हुए थे राणा सांगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खातोली कहां पर है तो कोटा के अंदर, और बाड़ी कहां पर है तो याद रखिएगा धौलपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल आप सभी के बहुत ही शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये लीजिए, जेन एग्रीकल्चर एग्जाम में आया, पूछा गया आपको कि हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है। हाल गुरु, देखिए उपाधियों की जब बात आती है तो एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि इतिहास में सर्वाधिक उपाधियों से किसे नवाजा गया। तो हमारे पूरे राजस्थान के इतिहास में ऐसे वह शासक जिनको सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है वह है आपके महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा मेवाड़ के वह शासक हैं जिनको सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है। ये उल्लेख जो हमें मिलता है ये मिलता है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये हमें बताती है कि राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक उपाधियों से जिसे नवाजा गया है वह है आपके महाराणा कुंभा, और कितनी उपाधियों से नवाजा गया है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार हमें पता चलता है कि महाराणा कुंभा को 108 उपाधियों से नवाजा गया है। लेकिन इनमें से कौन सी उपाधि इंपॉर्टेंट है? तो एक तो वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके अभिनव भरताचार्य। एक तो महाराणा कुंभा को जो इंपॉर्टेंट उपाधि है वो है अभिनव भरताचार्य। अच्छा, इससे कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि महाराणा कुंभा को संगीतज्ञ होने के कारण कौन सी उपाधि से नवाजा गया है, तो याद रखिएगा अभिनव भरताचार्य। इसके अलावा महाराणा जो कुंभा है इनको कहा जाता है, जैसा कि आपके सामने प्रश्न है, हाल गुरु। क्या कहा जाता है? हाल गुरु। इन्हें कहा जाता है दान गुरु। इन्हें कहा जाता है आपके छाप गुरु। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, महाराणा जो कुंभा है इनको कहा जाता है शेल गुरु। अब शेल गुरु से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान इतिहास के वह व्यक्ति जिनको स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक, तो भी आपको याद रखना है कि स्थापत्य कला का जो जनक है वो भी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा महाराणा कुंभा। तो अक्सर महाराणा कुंभा जब आप पढ़ते हैं तो इनसे चार बातें बड़ी खास होती है, या तो क्वेश्चन इनकी उपाधि से बनता है, या इनकी रचनाओं से बनता है, या फिर महाराणा कुंभा का क्वेश्चन बनता है वो सारंगपुर के युद्ध को रिलेटेड करते हुए विक्ट्री टावर यानी कि विजय स्तंभ से बनता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ चलिए ये क्लियर है, आगे बढ़े हम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया है। बहुत अच्छा, बहुत खास क्वेश्चन है कि महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ द इंडिया से नवाजा गया है। आप ऐसी कैसी उपाधि 1857 क्रांति के समय पढ़ते होंगे, आपको पता होगा कि जब कोटा का विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर को, तो उसमें कोटा के अंदर जब दिल्ली से आए थे मेजर रॉबर्ट्स, तो मेजर रॉबर्ट्स की सहायता की थी करौली के शासक मदन पाल ने। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि करौली रियासत की तोपों की संख्या बढ़ा दी गई थी और मदन पाल को एक उपाधि दी गई थी, वो इसी प्रकार की उपाधि थी, द ग्रेट कमांडर
स्टार ऑफ इंडिया की। हमसे यहां पर पूछा जा रहा है कि महाराणा सज्जन सिंह को ये उपाधि से नवाजने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा। अब सिंपल सी बात है, महाराणा सज्जन सिंह का टाइमिंग पकड़ लीजिए और इनमें से गवर्नर जनरल का टाइमिंग पकड़ लीजिए, तो वो व्यक्ति हैं आपके कौन, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। 1881 ईस्वी के अंदर महाराणा सज्जन सिंह को एक उपाधि से नवाजा गया था और वो उपाधि आपके सामने है, द ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और महाराणा सज्जन सिंह की बात करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह की खास बात यह है कि महाराणा सज्जन सिंह के समय एक दरबारी थे, क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया। वैसे श्यामलदास ददीवाड़िया को कविराज की उपाधि देने वाले महाराणा सज्जन सिंह ही थे, इनके दरबारी थे। इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है जिनका नाम है वीर विनोद, वीर विनोद। अच्छा, महाराणा सज्जन सिंह से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बड़ा खास है। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा आप सब जानते होंगे कि बंसधर्रा पहाड़ी पर एक किला बनाया गया था जिसका नाम है सज्जनगढ़ किला। अक्सर पूछा जाता है कि ये जो सज्जनगढ़ किला है इसका अन्य नाम क्या है, तो कई बार तो ऐसे देखकर पूछते हैं कि राजस्थान में मानसून पैलेस नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा सज्जनगढ़ किला। ये सज्जनगढ़ किला कौन सी पहाड़ी पर है, तो बस धर्रा पहाड़ी पर। और ये जो सज्जनगढ़ किला है इसे बोलते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि, मेवाड़ का मुकुटमणि, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। सांगा सामने दे रखा है गुहिल, अजयराज दे रखा है चौहान, रायसिंह दे रखा है राठौड़ और खेतड़ी सिंह दे रखा है सिसोदिया। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन की ही शुरुआत जब करते हैं, नंबर वन वापस देखिएगा, आपके सामने दे रखा है कि सांगा गुहिल, जबकि आप महाराणा सांगा जब पढ़ते हैं, महाराणा सांगा, तो ये से सांगा है और ये जिस शाखा के हैं वह है सिसोदिया। तो महाराणा जो सांगा है वो गुहिल नहीं है, क्या है, सिसोदिया, यानी कि ये एक नंबर ही गलत दिख रहा है हमें तो, ठीक है। सांगा जो है वो गुहिल वंश के नहीं है, ये सिसोदिया के हैं, ठीक है। और बाकी देख लीजिए, अजयराज तो पता चल ही रहा है, अजयराज चौहान, राय सिंह तो पता चल ही रहा है, बीकानेर के शासक हैं आपके राठौड़, पता ही आपको। तो यहां पर जो असंगत है वो ऑप्शन नंबर ए है, सांगा गुहिल ना होकर सांगा क्या है, सिसोदिया, ठीक है। हाँ बस, हाँ जल्दबाजी में गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है आपके सामने, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, यानी कि यहां पर चर्चा हो रही है मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ के दूसरे शाखा को लेकर, चित्तौड़ का दूसरा शाखा। सबसे पहली बात यह है कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ, तो आप पढ़ते हैं 1534-35, वैसे मार्च 1535, ठीक है, ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है कि चित्तौड़ का जब दूसरा शाखा हुआ उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे, तो याद रखिएगा विक्रमादित्य, कौन थे, विक्रमादित्य। लेकिन इस समय जो पूरा प्रशासन है वो विक्रमादित्य की मम्मी संभाल रही थी जिसका नाम है कर्मावती, और उसी ने क्या किया था इस समय, केसरिया, केसरिया करने वाली कौन थी, कर्मावती, सॉरी जोहर करने वाली थी कर्मावती, जोहर करने वाली कौन थी, याद रखिएगा कर्मावती। लेकिन केसरिया करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा वो थे आपके सलुम्बर के रावत बाक्षी, इन्होंने क्या किया था, केसरिया, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ उस समय आक्रमण किसने किया था, तो आक्रमण जो हुआ था वो गुजरात के बहादुर शाह का आर्टिक था, गुजरात का बहादुर शाह, गुजरात के बहादुर शाह का टेक था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चित्तौड़ का दूसरा शाका कब हुआ, किस शासक के समय हुआ, जोहर किसने किया, केसरिया किसने किया, और यहां तक की इंपॉर्टेंट बात कि आक्रमणकारी कौन थे, तो गुजरात के कौन थे, याद रखिएगा बहादुर शाह, कौन थे, गुजरात के बहादुर शाह। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रावत बागशी, देवलिया के दीवान कहा जाता है इनको, देवलिया का दीवान, देवलिया का दीवान, ये इतिहास में इसीलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने 16 अलग अलग जाति की कन्याओं से विवाह किया था। हाँ, ये वही है, रावत बागशी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हकीम का सूरी किसकी सेनापति का, किस सेना का प्रमुख सेनापति था, यानी हकीम का जो सूरी है वो किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था। देखिए, इस प्रकार के दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इतिहास में, वो अक्सर वही कंफ्यूज करते हैं। एक तो आप नाम पढ़ते हैं हसन खां मेवाती, और एक नाम है आपके सामने हकीम खां सूर। मेरे हिसाब से दो जैसे ये नाम हैं, वैसे दो नाम और भी हैं, आपने अक्सर देखा है, पढ़ा भी होगा। एक तो है झाला अज्जा, और एक है आपके सामने झाला बिंदा। मेवाड़ के ऐसे दो महाराणा हैं, जब वो युद्ध करते हुए घायल हो जाते हैं तो उनके राजचिन्ह धारण करने वाले ये बंदे हैं, तो अक्सर पूछा जाता है ये। देखिए, हसन खां मेवाती जिस जिनके साथ में थे वो है आपके राणा सांगा। राणा सांगा आप सब जानते हैं कि इतिहास का एक ऐसा युद्ध करते हैं जिसमें संपूर्ण हिंदू शासकों को एक साथ में लेते हैं, वह है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, उसके अंदर हसन खां जो मेवाती है वो जिसकी ओर भाग लेते हैं वो कौन है, याद रखिएगा सांगा। और हकीम खां शूर ये आपके साथ देते हैं महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी युद्ध में। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि हकीम खां शूर का संबंध निम्न में से कौन से युद्ध से रहा, वो वक्ति ना पूछकर युद्ध पूछ लेता है। जैसे यहां पर आपके सामने है कि हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति थे, हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हकीम खां सूरी का संबंध निम्न में से किस युद्ध से रहा, और वहां पर ऑप्शन में मिले आपको खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हसन खां जो मेवाती है इनका संबंध तो राणा सांगा से रहा है खानवा के युद्ध में, और हकीम खां जो सूर है इनका संबंध महाराणा प्रताप से रहा है किससे, हल्दीघाटी के युद्ध में। अब ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि झाला अज्जा का संबंध किससे रहा है और झाला बिंदा का संबंध किससे रहा है। यहां तक कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि झाला बिंदा का संबंध निम्न में से कौन से मेवाड़ के प्रसिद्ध युद्ध में रहा, वो पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है, यह आप बता सकते हैं। हाँ बताइए जरा इनको, ये राजचिन्ह धारण करने वाले थे, यानी कि जब युद्ध भूमि के अंदर प्रमुख राजा घायल हो जाता है तो उनकी जगह कोई ना कोई लेता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल करवाएंगे, इतिहास जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में ज्योग्राफी ही करवाएंगे, ठीक है, निश्चित रहिए आप। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ईआरओ के अंदर आया आपके। देखिए, मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप। यहां पर एक शब्द है बाज बहादुर, बाज बहादुर। वैसे आप सब जानते हैं कि चित्तौड़ का जो तीसरा शाका है, चित्तौड़ का जो तीसरा शाका है वो 1567-68 आप पढ़ते हैं ना, और ये जो चित्तौड़ का तीसरा शाका है इसके अंदर आक्रमण करने वाला कौन है, तो अकबर। तो आप पढ़ते हैं कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था, तो उसमें नंबर वन कारण यही पढ़ते हैं कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का पहला जो कारण रहा अकबर का वो यही था कि मेवाड़ के जो महाराणा हैं, महाराणा जो उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह द्वारा 1562 के अंदर मालवा के बाज बहादुर को शरण दी गई थी। जब आप पढ़ते हैं ना कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था,
तो पहली वजह यह पढ़ते हैं कि अकबर के दुश्मन मालवा के बाज बहादुर को महाराणा उदय सिंह द्वारा शरण दी गई थी, इसीलिए अकबर ने महाराणा उदय सिंह पर क्या किया था, आक्रमण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। तो मालवा के जो बाज बहादुर थे इनको शरण दी गई थी महाराणा उदय सिंह द्वारा, इसीलिए अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, इसमें ये एक नंबर वजह मिलती है हमें। बाकी तो अलग अलग और नीतियां भी रही लेकिन एक ये वजह भी है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बस ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये केवल उस कारण से क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने अटैक किया, तो अक्सर आप पढ़ते हैं कि कोई भी बाहर से यदि व्यक्ति अटैक कर रहा है तो आप कारण जरूर पढ़ते हैं कि कर क्यों रहा है, तो उसमें एक वजह ये थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड कुछ ज्यादा है, अब ये आप में से कौन बता सकता है, बताइएगा आप में से ये कौन बता सकता है, आराम से देखिएगा चारों नाम। निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिएगा। चार युद्ध हैं आपके सामने, इनको क्रम के अकॉर्डिंग जमाना है, और वो भी कैसे, सबसे पहला कौन सा हुआ था और इन चारों में से सबसे आखिरी में कौन सा हुआ, इस क्रम में बताना, ठीक है। देखो इनमें से घाघरोन का युद्ध ऑप्शन में है, सारंगपुर का युद्ध है, बयाना का युद्ध है और मावली का युद्ध है। देखिए सबसे पहले इनमें से जो युद्ध लड़ा गया था वो है आपके सारंगपुर का युद्ध, इनमें से कौन सा है, तो देखिए सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा 1437 ईस्वी में, कब लड़ा गया था 1437 ईस्वी में, एक नंबर तो ये है। इनमें से दूसरे युद्ध की हम बात करते हैं तो दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो है आपके घाघरोन का युद्ध, दूसरा कौन सा है, तो याद रखिएगा घाघरोन का युद्ध। और ये जो घाघरोन का युद्ध है ये कब लड़ा गया, तो घाघरोन का युद्ध लड़ा गया था साथी 1519 में, कब लड़ा गया था 1519 के अंदर। तीसरा इनमें से जो यह है वो है आपके बयाना का युद्ध, खानवा से जस्ट पहले लड़ा गया था और ये लड़ा गया था 16 फरवरी 1527 को। और नंबर 4 पर जो बचा है वो है आपके सामने मावली का युद्ध, और मावली का जो युद्ध है ये लड़ा गया 1540 में। तो आजकल एग्जामिनर के पूछने का जो तरीका है वो इस प्रकार का हो गया है, वो चार पांच युद्ध उठाकर देता है और पूछ लेता है सही क्रम कौन सा है। तो देख लीजिए इनमें से सबसे पहले सारंगपुर है, 2 नंबर वाला 1, अच्छा ये दोनों नहीं है काट दीजिए, उसके बाद में है घाघरोन का युद्ध, 2 के बाद में 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आगे, मावली का युद्ध, ये मावली का युद्ध बिल्कुल उदय सिंह और बनवीर के मध्य लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये बताइएगा भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है ये, ए आर ओ के अंदर ये क्वेश्चन आया, बड़ा लाजवाब सा क्वेश्चन। मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम बताइए। आजकल क्वेश्चन जो पूछने के तरीके हैं वो यही है, इस प्रकार से ही पूछे जाते हैं। अब बताइए इनका करिक कौन सा सही क्रम है, मेवाड़, और मेवाड़ के अंदर ये जो शाखा आपके सामने है ये है राणा शाखा। देखिए इस क्रम के अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन बनते हैं तो मेवाड़ की रावल शाखा से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि विगत राजस्थान पुलिस के पेपर के अंदर पूछा गया था, अभी हम वो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन ये राणा शाखा से पूछा गया है। अब देखिए मेवाड़ के अंदर राणा शाखा की जहां से शुरुआत होती है वो पहले शासक कौन है, तो हमीर देव सिसोदिया, पहले शासक बनते हैं आपके कौन, हमीर देव सिसोदिया। हमीर देव सिसोदिया के बाद में हमीर का पुत्र बनता है जिसका नाम है छत्र सिंह, कौन है छत्र सिंह, छत्र सिंह या फिर इसे बोलते हैं आप खेता, खेता का पुत्र है उसके बाद में लाखा, लाखा के बाद में बनता है मोकल, मोकल के बाद में बनता है कुंभा, इसी क्रम से तो आप पढ़ते भाई, एक नंबर बना हमीर, हमीर के बाद में छत्र सिंह यानी कि खेता, नंबर 3 लाखा, लाखा मतलब लक्ष्य सिंह, ये मेवाड़ के शासक, इनके शॉर्ट नाम ज्यादा एग्जाम में आते हैं,
और नंबर फोर है आपके सामने कौन, मोकल, लाखा के बाद में मोकल, और मोकल के बाद में कौन बने, कुंभा। कहने का मतलब यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट लगता है, हमीर, हमीर के बाद में छेत्र सिंह यानी कि दूसरा नाम है इनका खेता, खेता का है लाखा, लाखा का है मोकल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है, तो इनका भी आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, केवल शासक के नाम पढ़ने से काम चलेगा नहीं, कर्म से याद रखना पड़ेगा तब जाकर